बाउंटी किलर गैंगस्टर ने पुलिस के सामने धमकी देते हुए कहा है कि वह सलमान खान को मारने का हुक्म जरूर पूरा करेगा। पिछले काफी समय से सलमान को मारने की धमकी देने का मामला सुर्खियों में है। राजस्थान के भरतपुर की जेल में कैद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है। इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी उसने गैंगस्टर संपत नेहरा को सौंपी थी। संपत नेहरा सलमान को मारने के लिए मुंबई भी गया, लेकिन भाई की सिक्योरिटी टाइट होने के चलते वह अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पाया। इससे पहले कि संपत दोबारा सलमान को मारने की कोशिश करता, हरियाणा पुलिस की एसआईटी ने उसे हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। अब संपत नेहरा द्वारा किए गए कांड एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। फिलहाल सीआईटी 2 ने संपत को करोर के आनंद पहलवान हत्याकांड में 2 दिन की रिमांड पर लिया हुआ है। रिमांड के दौरान संपत नेहरा ने पूछताछ में कई खुलासे किए। इसके अलावा संपत ने कहा है कि वह सलमान को मारने के भाई लॉरेंस बिश्नोई के हुक्म को जरूर पूरा करेगा। उसने कहा कि बिश्नोई ने सलमान को धमकी दी थी और उसे पूरा करके ही दम लेंगे। हालांकि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा धमकी दिए जाने के बाद से ही अभिनेता सलमान खान की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, लेकिन खतरा बना ही हुआ है।